औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज 7.6, क्वेश्चन नंबर 2 है, सरिता बाट 2/5 मीटर ऑफ रिबन। सरिता जो है वो लाई खरीद के 2/5 मीटर किसके रिबन के, एंड ललिता 3/4 मीटर, और ललिता कितनी लाई 3/4 मीटर ऑफ रिबन रिबन के। व्हाट वाज द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन दे बाट, यानी जो उन्होंने उसने लाया यानी उन दोनों ने, तो टोटल लेंथ जो थी वो कितनी थी। अब हम किस तरह करेंगे, पहला क्या है, सरिता ये कितने लाई 2/5। अब जो है ललिता जो है वो कितना लाई 3/4। अब इसको किस तरह हम करेंगे, 2/5 + 3/4। अब इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते हैं जब तक कि इसका एलसीएम हम नहीं निकालेंगे। तो 2 के साथ एलसीएम निकाल के 2 के साथ हम करेंगे 2, 5 को नीचे इसी तरह करेंगे 2, 2 = 4, फिर 2 के साथ 5 को नीचे इसी तरह 1, तो इसी तरह 5, 5 = 1, इसको इसी तरह नीचे उतारेंगे 2 × 2 × 5, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। तो अब 20 हम इसका क्या करेंगे, डिनोमिनेटर 5 × 4 आ गया 20, इसको भी 4 के साथ हम करेंगे और इसको 4 × 5 जो है 20 हो जाएगा, 3 × 5 इसको भी करेंगे हम, तो 2 × 4 = 8, 5 × 4 = 20 + 3 × 5 = 15, ये भी आ जाएगा 20। अब ये इसको ऐड करेंगे 8 + 15/20, ये कितना आ जाएगा, यानी इसको ऐड करेंगे हम 23 आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। यानी दोनों ने मिलकर 23/20 मीटर जो है वो रिबन लाया। तो अब जो है हम क्वेश्चन नंबर ये 3, क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे, तो आप जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, नैना वाज गिवन 1/2 पीस ऑफ केक। नैना को दिया गया कितना, 1/2 पीस ऑफ केक, एंड नजमा वाज गिवन 1/3 पीस ऑफ केक। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ केक गिवन टू बोथ ऑफ देम, यानी हमने टोटल ये निकालना है। अब ये जो पहला है नैना का 1/2 + 1/3, अब इसको हम क्या करेंगे, ये टोटल कितना आएगा, ये 2 × 1/2 + 3 × 1/3, यह जाएगा 2 × 1 2 + 1 3/2 + 3 × 3 + 1 4/3। अब ये आ जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम हम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के बगैर भी हम इस तरह हम डायरेक्ट कर सकते हैं, आपने सीख चुके होंगे कि एलसीएम किस तरह निकालेंगे। इसको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 × 3 हम करेंगे, इसको भी × 3 + 4, 3 × 2 इसको भी 2 करेंगे, ये आ जाएगा 3 × 3 = 9/6 + 4 × 2 = 8/6। अब ये आ जाएगा 9 + 8 हो गया 17/6, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो इसमें इस वीडियो में इतना ही जो हमने किए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट दूसरी वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं।